जय श्री राधे मित्रों, भागवती गीता परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो श्रवण करें तो आपको इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सुनकर यदि आप अपना लेंगे तो निश्चित बात है कि कभी भी आज के बाद आप यह नहीं बोलेंगे कि मुझे श्लोक याद नहीं होता, मैं श्लोक का अध्ययन नहीं कर पाता हूँ, उसका पठन नहीं कर पाता हूँ। तो श्लोक कैसे याद करें, सरलतम विधि से कैसे याद होंगे और किस विधि से याद करें, इन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, चैनल पर जो भी नए हैं तो एक बार रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, आप सभी लोग भागवती गंगा परिवार में आकर के श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 3 दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब प्रयास करूँगा कि वीडियो आपको दे दूँ किसी न किसी प्रकार से 2-3 दिन के अंतर में। तो आइए अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, कम टू द मेन पॉइंट। देखिए, भागवत जी का जो गीता प्रेस गोरखपुर की पोथी है, जो बुक है, उसको तो आप लाए होंगे, निश्चित बात है। तो जिनको संस्कृत कम आती है पढ़नी, वो क्या करें, वो एक तरफ तो क्या करें कि हिंदी अर्थ और एक तरफ संस्कृत के श्लोक, वो वाली पुस्तक खरीदें। जिनको कथानक याद हैं, केवल श्लोकों को तैयार कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, उनको पढ़ना भी अच्छे से आता है, तो वो संस्कृत की मूल पाठ की एक पुस्तक ले लें, उनका उसी से ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, जिनके पास संस्कृत सब्जेक्ट भी नहीं था और पूर्व से वह संस्कृत को समझने का ज्ञान भी नहीं रखते हैं, ना ही उन्हें संस्कृत बोलना आता है, तो उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है कहीं ना कहीं। उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्रीमद् भागवत आती है हिंदी अर्थ सहित, आप उसको ले आइए ताकि हमारे वीडियो को सुन करके आप जब मूल पाठ में जाकर के अध्ययन करेंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों में जो लिखा है, तो उधर हिंदी भी पढ़ेंगे फिर संस्कृत भी पढ़ेंगे। श्लोक तो मैं बोलता ही हूँ, चिन्हित भी करवाता हूँ, अर्थ भी बताता हूँ, तो जब आप 3-3 बार एक ही विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, तो निश्चित बात है ना आने वाली भी वस्तु जो है, या फिर यूँ कह लें जो अध्ययन जो है, जो आपको नहीं आता है उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो ना चाहने वाला भी संभव हो जाएगा, आपको आने लगेगा श्लोक पढ़ना, अध्ययन करना। तो सबसे पहली बात है कि हम श्लोकों को पढ़ें कैसे। देखिए, संस्कृत में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं आधे, उनका उच्चारण यदि हम नहीं करते हैं उन आधे शब्दों का, आधे अक्षरों का, तो हमारे श्लोकों में त्रुटियां पाई जाती हैं। जैसे ता लिखा है, ता के नीचे एक हलंत लगा है, इसका मतलब है आधा ता, ये आधे अक्षर बोले जाएंगे। अब ता के नीचे हलंत लगा है, तुमने ता को पूर्ण बोल दिया तो ये तो अशुद्ध हो गया। नीचे जिसमें हलंत है उसका मतलब आधा अक्षर होता है, और आधे अक्षर को आधे उच्चारण, जैसे आधे अक्षर का करते उसी विधि से बोला जाता है। अब जैसे उच्चारण लिखा है ना, तो आधा चा और पूरा चा आ रहा है। अब इसको कोई ऐसे पढ़ दे कि उच्चारण और उसकी जगह पे चा को जल्दी, जो आधा शब्द शीघ्रता से बोला जाएगा और पूर्ण शब्द जो होता है वो मंद गति से बोला जाएगा। तो जैसे उच्चारण, तो बड़ा चा को तो पूरा आया और बीच में उच्चारण, और जो आधा चा है वो जल्दी से बोल गए। ऐसे ही संस्कृत में जो भी शब्द हैं जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है, उन शब्दों को आपको शीघ्रता से बोलना है। जिन अक्षरों पर बड़े आके डंडा है, बड़ी मात्राएं हैं, उन शब्दों को आपको देर तक खींच के बोलना है। भाई, अक्षर जो है किस प्रकार से बोले जाते हैं, 3 प्रकार से, हरस्व, दीर्घ, प्लुत, आ। छोटा क्या है, हरस्व है, बड़ा या आ क्या है, दीर्घ है, और ओम जो लिखते हो ना, ओम का अभिप्राय होता है प्लुत। जब हम रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी, उसमें बहुत जगह आपने देखा होगा
कुछ अक्षरों के बीच में ऐसे डाट लिया जैसे बना होगा दो चूल्हे, है ना, जो एस आकार में, और दो बार बना होगा, इसका मतलब क्या है? ये प्लुत है, प्लुत का चिन्ह है, अर्थात कहने का भाव है इससे पहले जो अक्षर आ रहा है उसको खींच कर बोलना है, और ये जो प्लुत का उदाहरण दिया गया है बीच में उसके आगे वाले शब्द को भी बोलना है मिला करके। तो ओम कैसा है? प्लुत शब्द है, प्लुत का उच्चारण है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चौथा, हलंत अगर लगा है तो उस हलंत का प्रयोग करना है, और आधे अक्षर के नीचे जंदा खिंचा है तो उसको शीघ्रता से बोलना है, वो आधा अक्षर हो गया, हलंत का हलंत की जगह प्रयोग करना है। ऊपर हमारे क्या रहते हैं? अनुस्वार, तो प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर जो रहता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये जो पांच प्रकार के वर्ग हैं इनमें टोटल कितने व्यंजन हैं? 25, और का से लेकर के मा तक जो है ना, कादियो मा वशाना, ये कौन से हैं? व्यंजन हैं। तो देखिए, आप जब अध्ययन करें या सीखें श्लोकों को बोलना है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको 25 शब्द गिना दिए का से लेकर मा तक, इसमें जो सबसे प्रत्येक लाइन का जो सबसे लास्ट वाला अक्षर होगा वो कैसा है? यमगणनम नासिकाच, तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होगा? नासिका से होगा। ऊपर बिंदी लिखी है उससे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है? पहले बिंदी जिस अक्षर पे रखी है उससे पूर्व में जो अक्षर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उस बिंदी का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं बोल देते हो गंग गणपतये नमः, और बहुत सी जगह पे हम बोलते हैं एंग, और बहुत सी जगह बोलते हैं एम। तो एंग और एम ये क्या है? जो पूर्व वाला अक्षर आएगा उसके बाद वाले अक्षर में जहां पर ऊपर बिंदी रखी है, अनुस्वार लगा है, उसका प्रयोग हम आगे वाले अक्षर को देखकर करते हैं। एक हमारा हो गया विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण भी श्लोकों में बहुत मायने रखता है। जैसे कि मान लीजिए को हम बोल रहे हैं जैसे नमः लिखा है, अब कोई इसको पढ़ दे नमः तो ये नहीं होगा, नमः हा माँ के बाद अवश्य आएगा। अब कोई बड़ा डंडा है, माँ है, बड़े का डंडा है, और ये कैसा हो गया? माँ दीर्घ माँ हो गया, तो माँ बढ़िया का डंडा और पीछे तो विसर्ग है, तो इनको हम कैसे बोलेंगे? और इससे पहले भी कुछ अच्छा लिखा है, पूरे शब्द को कैसे पढ़ेंगे जिसके पीछे विसर्ग लगी है? जैसे हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये या है, इस पीछे ये नॉर्मल है तो इसको ऐसे बोल देंगे। लेकिन अगर ना है, माँ है, बढ़िया का डंडा और विसर्ग है, इसको कैसे बोलेंगे? नमः, यानी माँ भी पूरा आएगा, फिर पीछे वाली विसर्गों का जो है उसका भी पूर्ण उच्चारण करना पड़ेगा, है ना। तो ये आधा अक्षर विसर्ग, अनुस्वार, हलंत, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इन चीजों का संस्कृत व्याकरण में विशेष महत्व है, इसीलिए संस्कृत व्याकरण की ओलम जो है ना, और उस ओलम के उपरांत में हमारे प्रत्याहार जो होते हैं, 42 प्रत्याहार है लगभग, उसके बाद में अव्यय, उसके बाद में जो है उपसर्ग, है ना। तो ये सब जो संस्कृत में मुख्य मुख्य संधियां, ये सब आपको आना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य, पांच प्रकार के जो है लकार हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, है ना, लिंग लकार, विधिलिंग, तो ये जो पांच प्रकार के हमारे वाक्य जिनमें हम बनाते हैं, तो पांच प्रकार के लकारों से ही संपूर्ण वाक्य बनाते हैं। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखें, संस्कृत के बहुत सारे चैनल हैं उन पर जाकर विजिट करें, और वहां से संस्कृत के छोटे छोटे दैनिक शब्दों को सीखकर बोलें घर में। विसर्ग का, हलंत का, अनुस्वार का उच्चारण करना अच्छी प्रकार से सीखें तो निश्चित बात है कि आपका संस्कृत में वर्तनी अशुद्धियां नहीं होंगी। द्वितीय बात मैं कहूं कि श्लोक को याद कैसे करना चाहिए, तो बस थोड़े ही शब्दों में बताऊं कि श्लोकों की ध्वनि होती है, एक श्लोकों की ऐसी ध्वनि है उसमें आप सारे श्लोक बोल सकते हैं, और कितना भी बड़ा श्लोक हो वो कभी भी अशुद्ध नहीं होगा। वो विधि क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। जैसे भागवत जी में पहला ही श्लोक गाइए, मंगल जो है महात्मा की कथा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे ही श्लोक बोले जाते हैं। जब इस विधि से आप पढ़ेंगे तो निश्चित बात है कि आपको शीघ्रता से याद होगा, है ना। तो ऐसे ही अग्रिम श्लोक जो है उसको भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अहो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र युचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। तो बस यही श्लोक की धुनी है, इसी से आप याद करते जाइए, फटाफट पढ़ते जाइए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः अहमेवासमेवाग्रे। अब देखना इसमें आधा अक्षर आएगा तो उसको कैसे बोलना है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत, तो दा आ रहा है नान्यत, यत ये आधा ता भी है नान्यत यत सद सत्परम पश्चाद अहम यदेतच यो वशिष्येत सोस्म्यहम रितिर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। देखिए जो आधा अक्षर है उसको बहुत कम समय में बोल देना है, जो बड़ा अक्षर है उसको थोड़ा धीरे धीरे से बोलना है, और प्रत में सबसे ज्यादा टाइम लगाना है। एक मात्रा भवेत ह्रस्व, एक मात्रा काल किसकी होती है ह्रस्व की, और दो मात्रा किसकी होगी दीर्घ की, और त्रिमात्रा प्लुत की। ह्रस्व को बोलने में जितना समय लगाते हैं उससे थोड़ा सा अधिक समय हम दीर्घ को बोलने में लगाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ को बोलने में जितना समय लगाते हैं उससे अधिक समय हम लगाते हैं प्लुत का उच्चारण करने में। इसीलिए शब्दों को जहाँ पर आधा कटा है उसको जल्दी से बोलने का प्रयास करें और सीखें बोलना, जो प्लुत है उसको देर से बोलने का प्रयास करें, दीर्घ को थोड़ा सा ह्रस्व से जो है कि धीमी गति से बोलने का प्रयास करें, तो फिर आपकी शुद्धियाँ नहीं रहेंगी। श्लोक की विधि यही है जो मैंने बताई है, आप इसको अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करिए मूल पाठ में इसी धुनी से, और सुबह 4 बजे उठ के अध्ययन किया करिए, मूल पाठ का अध्ययन करिए। तो ये कुछ बातें थी संस्कृत व्याकरण की जिनके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस किस अशुद्धियों का ध्यान रखना है और कैसे श्लोकों को पढ़ना सीखना है। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलें। जय श्री